दोस्तों कुछ दिन पहले जब विराट कोहली को ओडीआई की कप्तानी से हटाया गया था, तब सौरव गांगुली ने यह कहा कि वे लोग ओडीआई और टी20 यानी कि वाइड वर्ल्ड क्रिकेट में एक ही कप्तान चाहते थे। साथ ही सौरव गांगुली ने यह भी कहा कि उन्होंने पर्सनली विराट कोहली से रिक्वेस्ट करके टी20 की कप्तानी न छोड़ने को कहा, उन्होंने मना किया था उन्हें छोड़ने के लिए। लेकिन विराट कोहली ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और वहां पर उन्होंने क्लियरली कहा कि सौरव गांगुली या बीसीसीआई के किसी भी आदमी ने उन्हें टी20 की कप्तानी छोड़ने से नहीं रोका था। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जब वे टी20 की कप्तानी छोड़ रहे थे तो बीसीसीआई के लोगों ने इस फैसले का बहुत अच्छे से स्वागत किया। उन्होंने कहा कि ये एक अच्छा कदम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सौरव गांगुली और बीसीसीआई ने कोहली को ठग लिया।